हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बाइक मिनिस्टर में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, ये जो वीडियो होने वाली है ये हमारे सीट सेटअप की होने वाली है। जब हम टूर करते हैं तो टेल बोन में बहुत पेन होता है, तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए सीट को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं जो बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने भी उसको काफ़ी टाइम यूज़ किया है, तो चूंकि अब काफ़ी टाइम यूज़ कर लिया है तो अब आपके सामने उसको रिव्यू करने का टाइम आया है। आपने थंबनेल देख ही लिया है, मैं बात कर रहा हूँ एयर सीट की। और ये एयर सीट और किसी कंपनी का नहीं बल्कि ग्रैंड पिट स्टॉप का है, जो कि एक काफ़ी रिनाउंड कंपनी है टूरिंग एसेसरीज़ और मोटरसाइकिल एसेसरीज़ प्रोड्यूस करने, मैन्युफैक्चर करने में। तो बिना देरी किए हुए आपको सीट दिखाऊंगा, उसके फीचर्स बताऊंगा और इसी वीडियो में आपको इंस्टॉल करके भी बताऊंगा कि आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या इफ़ेक्ट रहता है और कैसा दिखता है सीट, इंस्टॉल कैसे करते हैं, प्राइस उसका क्या है, सारी चीज़ें बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे आप तो बेस्ट ऑफ़र प्राइस के भी बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे कि बेस्ट ऑफ़र प्राइस में आप इसको कैसे ले सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये अपना बॉक्स है जो ग्रैंड पिट स्टॉप की एयर सीट का बॉक्स आता है। और ये मेरे को यूज़ करते हुए 2 साल हो गया। सबसे पहली बार जब मैं लद्दाख कर रहा था तो दिल्ली में मैंने परचेज़ किया था, अपने डे 2 पे मैंने भी परचेज़ किया था और मेरे साथ जो एक राइडर मीटियोर से था उसने भी परचेज़ किया। और नो डाउट इसका इससे बेनिफिट मिलता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 60-70% पेन में रिलीफ मिलती है इस सीट से। ये जो आप देख सकते हो ग्रैंड पिट स्टॉप का एयर सीट है, क्रूज़र मॉडल का ये सीट है। इसमें बेसिकली 2 सीट्स आते हैं, एक क्रूज़र आता है, एक स्पोर्ट्स आता है। मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देता हूँ, दूसरा वाला भी मेरे पास अवेलेबल है। ये है स्पोर्ट्स बाइक के लिए। इसका आप शेप देखोगे ये थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक की जो सीट्स होती है वो थोड़ी छोटी होती है और क्रूज़र की थोड़ी सीट बड़ी होती है, तो ये क्रूज़र बाइक का है। अब इसके बारे में मैं आपको दिखा दूं क्या क्या चीज़ें मेंशन है। एयर कुशन इफेक्ट है, एयर सीट है चुकी है तो एयर कुशन इफेक्ट इसमें मिलता है। टेल बोन को आपको ये सपोर्ट करता है और इजीली डिटैचेबल है, आप जब चाहो बाइक में लगाओ, जब चाहो बाइक से निकाल लो, ऐसा टाइप का इसका वो है। 6 मंथ्स की कंपनी आपको वारंटी देती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इसके बैक साइड में आते हैं, बैक साइड में भी इसके बारे में कई सारी चीज़ें दी गई है। जैसे ये जो इसके पैचेज हैं, पंक्चर पैचेज होते हैं, इसमें एयर पंप और डिफ्लेटर मिलता है। मैं आपको ये वाला सीट दिखा दूँ, तो इस वाले सीट को आप देख सकते हो, ये पूरा मेश फैब्रिक है और यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है पंप। तो यहाँ पर जो है इसमें पंप है, पंप अपने को मिलता है यहाँ पे। ये पहले जो है यहाँ पर चेन आता था, तो उस चेन से खोल करके भी हम निकाल सकते थे उसको और देख सकते थे, बट अभी ये पूरा स्टिच करके आ रहा है। ये प्रीमियम वाला सीट है, अभी भी वो पुरानी वाली सीटें आती हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा कि पुरानी सीट कैसे दिखती है, यहाँ स्क्रीन पे आपको इस साइड कहीं पर आ रही होगी। तो पुरानी सीट का डिज़ाइन ऐसा था, बट अब नया जो प्रीमियम सीट है उसमें इन्होंने यहाँ पर पूरा स्टिच कर दिया, तो कोई चेन का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे पंप करोगे, पंप करने से ये एयर इसके अंदर इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है। और ये जो है ये डिफ्लेटर ऑप्शन है, जो इसके अंदर का हवा होगा वो आप इसको इसके यहाँ से निकाल सकते हो। आप अगर देखो यहाँ से एयर निकल जाएगा, तो कुछ इस तरीके का रहता है। अब मैं इस बॉक्स को भी ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर मुझे ये देखो आप यहाँ लिखा है सूटेबल फॉर क्रूज़र बाइक्स, तो ये क्रूज़र बाइक का सीट है। इसको निकालते हैं, बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये सीट का रेन कवर हमें मिलता है, बारिश में आप चल रहे हो तो आप इस रेन कवर को सीट के ऊपर लगा दो, जिससे ये डैमेज ना हो, ये ख़राब नहीं हो इसका फैब्रिक। और ये कुछ सीट है इस तरीके से, इसको बॉक्स को हटा देते हैं। अब आप देखो ये अपना सीट हो गया, ये सेम सीट है बट साइज़ देखो आप कितना डिफरेंस है दोनों की साइज़ में। तो ये क्रूज़र सीट्स के लिए है और ये जो है स्पोर्ट्स सीट्स के लिए है, और ये भी प्रीमियम वाला ही मॉडल है। तो इसमें यहाँ पर ग्रैंड पिट स्टॉप की आपको दोनों जगह ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पर भी है और इसमें भी है, ये पंप यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसकी बैक साइड में आप देखोगे तो ये स्ट्रैप्स हैं, ये इजीली डिटैचेबल स्ट्रैप्स हैं। क्रॉस वे में, क्रिस क्रॉस वे में आपको सीट के अंदर इसको टाई करना है। अभी टाई करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये टाई होता है, बाइक पे ले चलूंगा वहाँ आपको टाई करके दिखाऊंगा। तो ये काम कैसे करता है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। ये बेसिकली पंप होता है, इस पंप से आपको इसको इन्फ्लेट करना होता है। ये जो है आप यहाँ देखो, मैं आपको
इसके अंदर की चीज़ दिखाता हूँ कि अंदर इसके क्या है, कैसा टाइप का अंदर दिया हुआ है। तो ये आप देखो, ये अंदर इस तरीके का आपको मिलता है। अभी ये देखो आप कैसा है, अभी मैं एयर इन्फ्लेट करके आपको दिखाता हूँ ये कैसा हो जाएगा। ये देखो आप कुछ ऐसा ये दिखने लगेगा आपको, ये काफ़ी टाइट हो गया है। और ये जो है आपकी टेल बोन को और बम्प्स को काफ़ी हेल्प करता है राइड करने के दौरान। ये एयर यहाँ से इसके अंदर जा रहा है, तो ये कुछ इस तरीके का सीट है। अब बाकी इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे बाइक पे कि कैसे ये इंस्टॉल होता है। इसके प्राइस की बात अभी कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसकी जो MRP है, ये प्रीमियम वाली सीट है, इसकी MRP 4000 रुपीज़ है। बट आपको अगर ये बेस्ट ऑफ़र प्राइस में चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप वहाँ कॉन्टैक्ट करो, आपको बेस्ट ऑफ़र प्राइस में ये मिल जाएगा। बाकी अब चलते हैं बाइक पे और बाइक पे इंस्टॉल करते हैं इसको। ये तो मैंने अपने FZ के लिए रखा है, बट जब कभी टूर करेंगे तो इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको हटा देते हैं। तो इस सीट को जो है इंस्टॉल कराते हैं। ये सीट पहले यहाँ से निकाल के खोल लें, उसके बाद दिखाते हैं। ये जो बेल्ट है इसको फंसाएँगे, फंसा करके फिर आपको बता रहे हैं कैसे इंस्टॉल होता है। तो इसको जो है इसमें फिट करेंगे, करिए लगाइए। अरे ओके, तू बाद में ठीक करिए मालिक। हाँ हो गए, चालू हो गए। चला दम लगाओ तू अगर साथ है। एक मिनट, हाँ बेल्ट टाइट कर दीजिएगा ना, ऐसा ना हो कि ढीला रहे तो फिर सीट ऐसे ही से होने लगता है। फिर ऊपर से हवा भर के देख लीजिए, हवा वो भरा जाए तो खाली बस पहले कस दा। अरे कस दा मर दे, हवा भी भर के दे इनके देखो जरा हवा भरने का शौक इनका पूरा हो रहा है। भरिए नहीं कर दो, आ रहा है आ रहा है। पहले वाले का जो पंप था वो काफ़ी लटका रहता था, तो उससे ना वो नीचे इसमें लड़ता था, तो इसलिए अब ऐसा सिला हुआ टाइप का बनाया है। तो ये इंस्टॉल हो गया और इसमें आप ऐसे हवा जो है भर सकते हो आराम से। और ये जो चीज़ है इसका, ये काफ़ी बढ़िया इन्फ्लेट हो गया। ये आप देखो इसके अंदर का सिचुएशन, ये देखो आप, ये पूरा इन्फ्लेटेड है। अभी और भी हवा इसमें जा सकता है और हवा भर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा, हमने सीट को इंस्टॉल करा लिया है बाइक में और बहुत अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस है। आपको उसका एक अलग से शॉर्ट्स या रील टाइप का कुछ वीडियो बनाकर भी दिखाऊंगा कि कैमरा बाइक में फिट करके कि वो जर्क्स में किस तरीके से हेल्प करता है टेल बोन को। तो ये वीडियो फ़िलहाल इतना ही था इसके रिव्यू, प्राइसिंग को लेकर के और इंस्टॉलेशन को लेकर के। तो इस वीडियो को अब एंड करते हैं। सीट परचेज़ करने के लिए आपको जो डिटेल मैंने दिया था स्क्रीन पे, जो डिटेल्स आ रहे हैं आप यहाँ कॉन्टैक्ट करो, बेस्ट प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए जो टूरिंग करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हो आप चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट्स आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए सेफ राइड।